कोरोना वायरस से पीड़ित रोगियों के दाह संस्कार स्थल के संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि राजघाट पर अंत्येष्टि स्थल पर नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारियों को बड़ी संख्या में ड्यूटी लगाया गया है। दाह संस्कार करने के लिए अभी लकड़ी से चलने वाले दो यंत्र लगे हैं और एक LPG गैस से चलने वाली मशीन लगी है और जल्द ही एक और LPG गैस से चलने वाले संयंत्र को लगा दिया जाएगा, जिसकी मंजूरी दे दी गई है। नगर आयुक्त ने आगे बताया कि राजघाट पर आने वाले लोगों के लिए वाटर कूलर लगवाया गया है। कोशिश किया जा रहा है कि किसी को इंतजार ना करना पड़े। जिन लोगों की कोविड से मृत्यु हो रही है उन लोगों के लिए हम लोगों ने पूरी व्यवस्था निःशुल्क रखी है। पहले रजिस्ट्रेशन के लिए 200 रुपए और दाह संस्कार के लिए 1800 रुपए कॉन्ट्रैक्टर लेता था, उसको भी मना कर दिया गया है। वहां पर किसी भी चीज का पैसा नहीं लिया जाएगा, सारी चीजें निःशुल्क है। साथ ही अंत्येष्टि स्थल पर कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए PPE किट, मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर की व्यवस्था किया गया है। इस दौरान नगर निगम की बड़ी बड़ी दो गाड़ियों से अंत्येष्टि स्थल को सैनिटाइज कराया जा रहा है। जगह जगह होर्डिंग बैनर लगा दिया गया है कि एक निश्चित सीमा से आगे लोग ना जाएं, क्योंकि यह हाई रिस्क जोन है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया, यहाँ पे व्यवस्था एकदम हम लोग मतलब देखिए कुछ ना कुछ तो कमी रह जाती, चाहे कितनी भी फुल व्यवस्था करें, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जो हमारे राजघाट की व्यवस्था से मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। हम लोगों ने वहाँ बड़ी संख्या में अपने अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी लगा रखी है। वहाँ पर हमारे पास 31 प्लेटफॉर्म है। इसके साथ साथ दो हमारे लकड़ी से चलने वाले प्रदूषण मुक्त संयंत्र लगे हुए हैं, एक हमारा जो LPG गैस से चलने वाला संयंत्र है, और इसी परिप्रेक्ष्य में हमने एक और LPG गैस से चलने वाले संयंत्र को लगने की मंजूरी आज ही दे दिया है और अगले कोशिश कर रहे हैं 7 से 10 दिन के बीच में वो अगला संयंत्र भी लग जाए। तो और जो हमारी टीम के साथ साथ जो वहाँ पर आने वाले लोग हैं उनके लिए भी हमने अभी वहाँ वाटर कूलर लगवाया है। कोशिश कर रहे हैं किसी भी वहाँ वेट ना करना पड़े, और जो कोविड से जिन लोगों की डेथ हो रही है उन लोगों के लिए हम लोगों ने पूरी व्यवस्था निःशुल्क कर रखी है। चाहे कोई भी चीज़ हो, किसी चीज़ का पैसा नहीं लेना। यहाँ तक कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो 200 रुपये रजिस्ट्रेशन का और 1800 रुपये पर बॉडी के दाह संस्कार का लेता था, उसको भी मना कर दिया गया है। वहाँ से भी एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा, सारी व्यवस्थाएँ निःशुल्क हैं। साथ ही हमने अपने साथियों के लिए, अपने कर्मचारी साथियों के लिए वहाँ पे PPE किट, जो मास्क है, सैनिटाइजर है, ग्लव्स है, इन सब की व्यवस्था की रखी है। सुबह और शाम डेली वहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लगाकर चारों तरफ से उसको सैनिटाइज कराया जाता है। जगह जगह वहाँ होल्डिंग बैनर लगा दिए गए हैं, एक निश्चित सीमा रेखा के बाद वहाँ मत करीब लोग जाएँ, क्योंकि शुरू में काफ़ी लोग आ जा रहे थे, क्योंकि इसको हम लोगों ने बताया कि ये एक हाई संक्रमण जोन है, वहाँ मत जाएँ। वहाँ पर किसी प्रकार की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी ना करें, जिससे कि जो शोक संतप्त परिवार है उसकी भावनाएं आहत होंगी, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। तो एक और हमने इधर रात में भी जो है व्यवस्था कर रखी है कि रात में भी अगर कोई बाई चांस कोई डेड बॉडी आती है, कोई कोविड से किसी की मृत्यु होती है, उसका भी संस्कार जो है हिंदू धर्म की जो हमारी परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, उनके अनुसार करने के लिए हम लोगों ने पूरी व्यवस्था कर रखी है।